यूपी बोर्ड 2023 की हाई स्कूल की परीक्षा 3 मार्च 2023 को और इंटरमीडिएट की परीक्षा 4 मार्च 2023 को सकुशल संपन्न हुआ, जिसके साथ ही साथ 30 साल का रिकॉर्ड टूटा। कैसा रिकॉर्ड टूटा? 30 साल का पुनः परीक्षा कराने का रिकॉर्ड टूटा। तो इस रिकॉर्ड के टूटने के बाद रिजल्ट आने की संभावना बहुत जल्द है, क्योंकि कहीं भी दोबारा से परीक्षा किसी भी पेपर का करवाना नहीं है, तो रिजल्ट आने की संभावना बहुत ही जल्द है। अच्छा, इस बार 18 मार्च 2023 से उत्तर पुस्तिका की जांच होना शुरू हो जाएगा। कापियों की चेकिंग 18 मार्च 2023 से होनी है। ये कापियों की चेकिंग कुल 75 जिलों के 257 केंद्रों पर होगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार परीक्षकों की विधिवत ट्रेनिंग होगी, ताकि त्रुटि रहित कापी चेक की जाए। परीक्षकों मतलब कि उन शिक्षकों की ट्रेनिंग होगी जो इस बार कापी चेक करेंगे। शिक्षकों की ट्रेनिंग वीडियो और ऑडियो के माध्यम से दी जाएगी। इस साल के पूरे परीक्षा में 133 मुन्ना भाई यानी दूसरे के परीक्षा देने वाले और 81 नकलची लोग पकड़े गए। तो इन सारी न्यूज़ के एनालिसिस के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि इस साल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट 13 मई 2023 के आसपास आने की संभावना है। अब तक के इतिहास में यूपी बोर्ड का रिजल्ट दोपहर के बाद ही आया है, तो इस साल भी दोपहर के बाद ही आने की संभावना की जा सकती है। यदि यूपी बोर्ड रिजल्ट रिलेटेड कोई न्यू ऑफिशियल अपडेट आएगा तो आपको इस चैनल के माध्यम से तुरंत सूचित किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि यूपी बोर्ड 2023 का रिजल्ट किस वेबसाइट पर पब्लिश होगा। तो वेबसाइट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, www.results.upmsp.in और www.uprezults.nic.in। इन दोनों ही वेबसाइट पर यूपी बोर्ड 2023 का रिजल्ट शो करेगा, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो वहां से आप क्लिक करके अपने पास सेव करके रखिए।